आज बैठक के करने के बाद हमने कुछ पता किया है, पूरे देश में हजारों स्थानों के पर चक्का जाम हुआ है और आम तौर पर नहीं, पीसफुल रहा सब जगह में। लोगों ने हर जगह, मुझे पता चला कि हैदराबाद में, कर्नाटक में, कुछ जगह में सरकार ने वहाँ लोगों को हटाया या पकड़ा, लेकिन कंक्रीट रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पंजाब में बहुत बड़े बड़े गैदरिंग्स हुए, हरियाणा में बहुत कामयाब हुआ और यहाँ हमारे धरनों के आसपास भी केएमपी के ऊपर एक जाम हमारे साथियों ने लगाया। और आम तौर पर जैसे हमारा इंस्ट्रक्शन था कि किसी को परेशान ना किया जाए, एम्बुलेंस और स्कूल के बच्चों की बसों को जाने दिया जाए, और हमारा कॉल था लोगों को कि एक घंटा 12 से 3 बजे तक जब समापन किया जाए तब जो भी वाहन हैं वो अपने हॉर्न बजा के हमारे इस आंदोलन का हमायत करें। जैसे आपको पता है ये चक्का जाम का जो कॉल था ये 3 मुद्दों के ऊपर था। पहला, जो हमारे आंदोलन के ऊपर दमन चलाया जा रहा है, जैसे इंटरनेट बंद है, नौजवान बच्चे पकड़े हुए हैं, 25 जो नौजवान हैं लापता हैं अभी तक, 127 के करीब किसानों के ऊपर FIR हुई है, वो जेल में हैं, शायद पांच लोगों की जिसमें दिल्ली के हैं 4 और एक पूनिया है अपने, मनदीप पूनिया जो पत्रकार हैं उनका बेल हुई है। तो ये जो एक तरफ ये है, मोहल्ले और गलियों को बैरिगेड्स लगा दिए हैं, बड़े बड़े कील लगाए जा रहे हैं, पानी और बिजली का भी दिक्कत बहुत बार आ जाता है। तो ये जो सरकार की तरफ से दमनकारी जो नीतियां हैं इसके विरोध में, जो बजट आया था उसमें किसानों के पक्ष में कुछ नहीं था उसके विरोध में, और तीसरा था हमारे जो डिमांड्स हैं उसके पक्ष में, 3 मुद्दों को लेकर ये आज चक्का जाम का कॉल दिया गया था जो पूरे हमारे देश में सफल रहा है। और इसके साथ ही हम निंदा करते हैं जो कल तोमर साहब ने बयान दिया है। बल्कि एक तरफ तोमर साहब हमारे साथ बातचीत करते थे कि ये कानून तो एकदम ठीक करने वाले हैं और इसमें जो भी आप गलत लगते हैं इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं हम, बल्कि उन्होंने माना था, लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि ये कानून तो बहुत ही किसान के पक्ष में है, जो एकदम झूठ बोल रहे हैं। और तीसरा, हम साथ ही साथ उन तमाम इंटरनेशनल हस्तियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे आंदोलन का समर्थन किया है। और मैं अपनी बात यहाँ रखते हुए मेरे दूसरे साथियों को, क्योंकि माइक नहीं है आज, थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा, आज की अध्यक्षता हमारे जमहूरी किसान सभा के रघुवीर सिंह ने की थी, उनसे शुरू करते हैं कि वो अपनी बात रखेंगे और एक एक दो दो मिनट लेके सारे साथी आपके साथ ये इंट्रोडक्टरी बात जो है मीडिया के साथ करेंगे। मीडिया वाले साथियों, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं जैसे आप इस आंदोलन का साथ दे रहे हैं। तो आज हम जो है मीटिंग जो हुई है पंजाब चैप्टर उसके बारे में यही है जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। एक तो हम आपको बताना यही चाहते थे कि हमने आज की काल जो संयुक्त मोर्चे की काल थी, सभी सारे देश में ये जो डिमांड इन्होंने एक्सप्लेन की तीनों, उस पर यानी 12 से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम करने का फैसला किया था और वो लागू हुआ है पंजाब में, बहुत लागू है और सारे जो रिपोर्ट है उसमें है। एक तो ये बात है कि हम अब जो अपने मोर्चे हैं वो पूरी तरह हमें पूरी उसी रूप में कर लिए हैं कायम जैसे पहले थे, और हम अब चुप रहने वाले नहीं हैं। सरकार के जो दमनकारी नीतियाँ उनके ख़िलाफ़ और ये बजट जो आया उसके ख़िलाफ़ और अपनी डिमांड के लिए हमने एक्शन करने का प्रोग्राम बनाया, और ये एक्शन पहला है तो सारे देश में हुआ है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि हम जब तक ये हमारी डिमांड मानी नहीं जाएंगी पूर्ण तौर पर, हम ये आंदोलन जारी रहेगा और हम जीत कर ही इसको ख़त्म करेंगे। ये मैं बात कर दातार सिंह जो किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष। जर्नलिस्ट साथियों, पार्लियामेंट में बजट सेशन में किसानों का मुद्दा रोज के रोज उभर रहा है, मगर सरकार उस मुद्दे को ठीक तरह से उसकी व्याख्या नहीं कर रही,
एक तरफ बात करने की बात करती है, दूसरी तरफ बोलती है कि किसानों के पास बात करने को कुछ है ही नहीं। तो हम अब भी सरकार से बात करने को तैयार हैं, मगर वो माहौल तैयार करे पहले। जो गड़बड़ सरकार ने 26 तारीख को की है, उसमें जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो जातियां किसानों के साथ हुई हैं वो सभी वापस ले, शांतमयी माहौल तैयार करे, नेट सर्विस चालू करे, केस वापस करे, नौजवानों को रिहाई दे, सभी केस जो दर्ज किए हैं वापस ले, तो किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा उनसे बात करने के लिए तैयार है। अगर सरकार खाली बातों करेगी और प्रैक्टिस में कोई अमल में कोई अच्छी कारगुजारी नहीं दिखाएगी तो हमारा आंदोलन जड़ा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हुआ मैं आज जो संयुक्त मोर्चे की ओर से आज के 12 से 3 बजे तक सड़क जाम का प्रोग्राम दिया गया था, उसके सफल होने पर सभी किसानों को और देश के वासियों को इसके लिए थोड़ी बहुत जो आपत्ति हुई उसके लिए हम इसके लिए खेद है, और इसके सफल होने से सभी देशवासियों को मैं बधाई देता हूं इस आंदोलन में। दूसरी बात यह है कि जो केंद्र सरकार का रवैया है, पिछले दिनों प्रधानमंत्री का बयान आया कि हम हमारे बीच एक काल की दूरी का फ़र्क है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। नरेंद्र तोमर हमारे साथ मीटिंगों में 11 बार की वार्ताएं हुई कुछ और कहते थे, और पार्लियामेंट में वो बहुत बड़ा झूठ बोला है उसने, जो कि कानून है सही है, मीटिंगों में सभी बातें उन्होंने मानी है कि ये कानूनों में ऐसा ऐसा गलत है। ये पहली सरकार होगी मेरा ख्याल है देश के इतिहास में, लीडर लोग रैलियों में तो झूठ बोलते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, जो पार्लियामेंट में वो पहली बार कोई मंत्री का बयान है, जो किसान ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ 11 बार की वार्ताएं हो उसमें कुछ और बोले और पार्लियामेंट के कुछ और बोले, ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये सरकार का दोगलापन का रवैया है, किसान संगठनों को वो झूठा करने की साफ कर रही है, झूठा करने करती है, कर रही है, इसमें ऐसा नहीं है। उसको वही बात कहनी चाहिए थी जो उन्होंने हमारे साथ मीटिंग में मानी है, और इससे आगे जो आंदोलन है हमारा 26 के बाद पूरी तरह तेजी से चला है, हरियाणा और यूपी के साथ आपने सब देख रहे हैं, हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की जो संयुक्त मोर्चे की ओर से जो मांगे हैं उन मांगों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथी जो जेल में गए हैं सामान उसका है, उसको सरकार को पहले वापस करके जो पाबंदियां लगाई है उसको हटाकर माहौल बनाना चाहिए, और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हम बातचीत भी करेंगे और आंदोलन को भी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। रुलदू सिंह मानसा जी प्रधान, मेरा ख्याल है भी जी असली जंग है साड़ी 26 तरीक तो बात शुरू हुई है, जिमें एक तरह का सरकार ने आपदे तरीके आंदोलन में झटका लाने की कोशिश की थी। मेरा ख्याल है भी थोड़े दिन ही उस पैर से आंदोलन आ गया, तो मेरा ख्याल उदू बढ़ गया, उदू जोड़े से कानफ्रेंसा करते हैं बड़ा इकट्ठ करते हैं। मेरा ख्याल है भी छोटे सवाल तो मैं पहला सवाल का जवाब दे दा, असी हर एक स्टेट की परिस्थिति देखते हैं, चाहे कोई प्रोग्राम दे दिए पर उतों दिस्थितियां देखिया जा भी इतने साडा एजेंडा लागू हो सकता है, इतने नहीं हो सकता, उत्थे परिस्थितियों से असं फर्क भी पा लें आपका कोई जी गल नहीं, चाहे असं भारत पद्धर का भी कुछ कोई प्रोग्राम दे दिए, पर कदों भी असं कोई प्रोग्राम दें सानू मेरा ख्याल है भी जे तो हो किसान का अंदोलन फिर तो खैर इन्नी हमायत ना मिले, ये जन अंदोलन हो गया, ये देश का जो कह दिए कानून ने जोड़े देश विरोधी ने, सारे देश का जो कारोबार है खेती है व्यापार है मतलब तहनाश होने जा रहा है, सारी लीडरशिप असी इतने हाँ, थोड़ी जी लीडरशिप मेरा ख्याल है ज हरियाणे च गई है जब पंजाब च गई है, जिन्हें साढ़े पहला इकट्ठ हुए ने सोडे को भी सारी रिपोर्ट आ गई होगी, उदू बद हो गए तो बड़ी चढ़ती कला च होए ने गे सारे भारत के हो जिते जिते अं लागू करवाना चाहे जिते परिस्थितियां ने उत्थे असी गौर रखी है। मैं इन गल कहनी चाहता तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से एक बात चलती आई है कि गोदी मीडिया, लेकिन आप वो मीडिया है जिसने हमारे मोडा मीडिया
जिसने मोढ़ा दिया इस आंदोलन को, तो इसको देखते हुए समय के अनुसार कि मैं आपकी बहुत धन्यवाद हूँ। अगली बात ये है कि जो भी भाई हमारे जिस 26 तारीख को जो भी हुआ उसके अधीन जो जेल में गए हैं, उनके जो माँ बाप है पंजाब में, उनके रिश्तेदार बहन भाई है जो चिंतित है, हम उनके लिए उनको मतलब ये कहना चाहते हैं, हम उनके लिए दिन रात बहुत सी समय अपना उनको दे रहे हैं, उनके लिए अपनी मतलब एक मीटिंग करके एक पैनल भी बनाया है जो वकीलों का है, उसके द्वारा भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे सब मुद्दों से पहले हम सबको कहना चाहते हैं, पहले उनके बच्चों की रक्षा होगी, बाद में हमारे मुद्दे आज की बैठक में कितने के नुमाइंदे मौजूद थे? नहीं, आज की बैठक में हम पंजाब के ही संगठनों के थे, कल को और बड़ी परसों बड़ी पंजाब की कितने जत्थेबंदी पंजाब के हम थे 14 संगठनों की मीटिंग नहीं थी आज? नहीं, 14 की। ये जो अलग अलग मंच बने हुए हैं जिनका एक फिर बड़ा फोरम बना हुआ है, उनमें से एक मंच की। आपने कहा कि ये इंडिया लेवल का था, तो टिकैत साहब ने आपको नहीं लगता कि अगर आपने कॉल दी थी पहले दिन से कह रहे थे कि वो आपके साथ है, तो फिर यूपी और उत्तराखंड में नहीं? वो देखिए, मैं जब वो बात आई तभी मैंने उनसे बात किया, उनका मेन जो युद्धवीर धर्मेंद्र मलक और टिकैत साहब से, हालांकि राज्यवाल जी भी कुछ लोगों कहने के उसी समय वहीं थे शायद टिकैत ने जब ये बयान दिया। असल में टिकैत के उनको एक लगा जो उनका व्यक्तिगत वैसे वो आया है कि यूपी में और उत्तराखंड में कुछ दंगे वगैरह हो सकते हैं, दिस वॉज इन मतलब उनके माइंड में ये कहीं से इनपुट हुआ, और जैसे ही इनपुट हुआ प्रेस वाले आए तो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया, जो मुझे लगता है कि और लोगों से बात करके देते तो अच्छा था, जो बाद में हमारे साथ बात करके उन्होंने कुछ उसका फॉर्म चेंज किया है, मतलब उसको अगर वो उनको लगता था कि कुछ ऐसा बात हो सकता है तो बढ़िया था, जो बात करने के बाद वो प्रोटेस्ट होंगे या ज्ञापन दिए जाएंगे, अगर वो थोड़ा ज्वाइंटली हो जाता तो अच्छा था, लेकिन उनका फिर बाद में कि हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का ही ये ऐलान है, और हम जैसे कि कुछ लोगों को मन में लगा शायद संयुक्त किसान मोर्चे में कुछ वो आ गया है, लेकिन ये बात नहीं है, वो एज इट इज़ है, वो थोड़ा इसमें थोड़ा सा तो मैं मानता हूँ कि एक जल्दीबाजी में ऐसे नहीं करना चाहिए। कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी ने रिपोर्ट देनी है, 26 करके उड़ चुके सी, असी दोबारे जोर अंदोलन उभारन दे विच जोर लग गया, वो कमेटी ने मेरे ख्याल अगली मीटिंग रिपोर्ट देनी। नहीं, ओदे कारण विचले हुंदे ने जथेबंदियां दे, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੂਗੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਉਧਰ ਰੂਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਰੂਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਝ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, देखिए, हम जब सरकार से उठकर आए थे तो हमने ये कहा कि ये प्रपोजल हमें मंजूर नहीं किया, अब सरकार को कुछ नई प्रपोजल के साथ आना चाहिए, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। एक मिनट, बल्कि हमने बाल उनके पाले में छोड़ दी थी, उनके उसमें छोड़ी थी कि हम तैयार नहीं हो, तो इसलिए एक सवाल हो जी, एक शायद 18 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच क्या गया सी कि जिन्ने किसान शहीद हुए इस आंदोलन के बीच उन्हें वादे की गिनती 206 दी दी गई है, उन्होंने एक एक लाख रुपए जेड़ा हैगा सी उचित जेड़ी आप दे जते बलियों देवांगे, वो किन्ने किसानों दे दंदा हुन तक जी, किन्ने किसान रह गए ने जी, वो किवें ओ देखो ये मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी लेवल में हमारा डिसाइडेड है ये बात,
सबको मिलेगा, जितना हमारे पास अमाउंट आया वो उसी के लिए रखा है हमने। नहीं नहीं मैं दरअसल मैंने जिन्हें तो जो ये फिक्र नहीं मैं जानता, मेरी गलत सुनो, तीन चीज़ों नाल दोलन जितया जाता होंगे, लोगों का इकट्ठ ते खुराक ते पैसा। पैसा साढ़े को है, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जिड़ी ची गल कहती भी असं हमने देवे। देखो किने कहती जिद असं अंदोलन जित जाइए अंदोलन हार जाइए, जिहड़ा पैसा बच गया वह असं पक्का फायदा है शहीदा च वंडा गे। मेरी गल तो सुनो, मेनू लिखो ये बहुत ये पैसे की गल है, पैसा साडे कोल हैगा ओह देना है। तुहानू ये पता है कि असी 18 तो बाद लगातार 26 दे प्रोग्राम तो बाद असी लगातार अपने प्रोग्रामां नू अपने मोर्चियां नू संभालण ते उभारण विच लगे हुए हैं। जो सरकार ने साडी मूवमेंट बंद कीती होई है भी तुहानू पता है, इन्हां इन्हां परिस्थितियां दे अंदर अगर साडे कोल बहुत सारे काम जिहड़े अज तो पेंडिंग हो ही जांदे ने, वी आर कमिटेड टू दैट। जिथों तक साडे वादा कीता जो फैसला कीता सी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿਕਾ ਲਈਏ, ਵਧਾ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੌਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਟਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਸੀਗੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਵਟ ਨੈਕਸਟ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਮਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਬੜਨਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਈਟਲ ਇਸ਼ੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਹੈ, 127 ਇਸ ਵੇਲੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, 25ਵੀਂ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਓਗੇ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੋਲ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਚਾਚਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ
दिल्ली तो बहुत ही शर्त नहीं। देखो मैनू ये लगता है कि मूवमेंट है आप घर भी स्कूल भी कॉलेज भी जाते हुए भी बहुत सारिया चीजा मौके पर तब्दील करते हैं। कोई स्ट्रैटेजिकली इस किस्म की गल नहीं होंगी कि तुसी कोई तुसी मशीन हो कोई असी मनुख हैं समाज रह रहे हैं समाज दियाँ वो मुताबिक चलते हैं समाज जथेबंदियों वालों अगर उन्होंने ये लगता कि ये तरीका ये साडा टैक्टिस ठीक है तो वह अडोप्ट करते हैं। वो मैनू ये लगता जो उदन नौजवानों ने किया डिफेंड ना करो वो जो होया कुछ गलत होया वो की कारण ने तुसी भी जानते हो कि फोर्स तुसी जानते हो उन्हें साडे अंदोलन का नुकसान कराया तुसी भी जानते हो लेकिन असी जो किया वो कोई ये नहीं कि असी कोई बिना सोचे समझे तो बिना प्लैनिंग तो कर लिया जो होया उ जाने का भी वो इस करके नहीं होया कि असी राह होर चुन लिया ये बल गल बड़ी क्लीयर है। असी अपनी कोई कमेटी मतलब कि कोई बैठक तत्व खोज करांगे ये जिन्हें भी असी कुछ सामने लिया सकी महीना लगे छे महीने लगन साल लगन ये लियावे सारिया चीजा मेरा ख्याल है जो जंग चलती हो जंग लड़ाई होंगी है उन्ना चर फौजी अंदर रहेंगे दूजे देश का फौजियों को छड़ता हूं भी पहले छड़ दो मतलब जेड़े 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 ने छड़ दे परचे दर्ज कर मतलब लड़ाई में चोल के की एक मान लिया कि एक पास से किसान से एक पास से सरकार और ये लड़ाई दे विच कन्वर्ट हो चुकी है। हां लड़ाई है बिल्कुल लड़ाई है जंग है एक तरह की जंग है सीगला जंग है किसानों की ते भारत सरकार की जिद्दे मोर्चे नु जे सरकार ने हलाउणा चाहया जही जी पाकिस्तान नाल जंग लागी जही जी इत्थे लगूगी। अक्तूबर तक दो टाइम ने दिता सरकार नु डराया भी उदों तक तैयार है दो अक्तूबर तो गांव चल सकदा।